नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के फिर एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सहज के साथ एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट आप लोग कैसे ले सकते हैं। और आज का जो वीडियो है 17/7/2024 को दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी में चेंज हुई हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें वीडियो में आपको बताएंगे और वीडियो KYC के बारे में बताएंगे और ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे VLE ऐसे हैं जिनका दोस्तों वीडियो KYC भी कंप्लीट नहीं हुआ है और उनका APS एंड DMT दोस्तों यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे ये पुराना डैशबोर्ड है इनका, अभी पहले इनका डैशबोर्ड चलता था, अभी इन्होंने अपना पूरा डैशबोर्ड भी चेंज किया हुआ है, वो आप लोगों को सभी को पता है। फिलहाल मैंने अभी ये पुराना डैशबोर्ड यहाँ पर निकाला है, आप लोग भी किस तरीके से पुराने डैशबोर्ड पर भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नए डैशबोर्ड पर ही काम करना होता है, क्योंकि सर्विस है यहाँ पर आपको देख सकते हैं साइड में वही दे रखी है। तो आपको पहले ऑल सर्विस पे जा सकते हैं या दोस्तों डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आप नए वाले डैशबोर्ड पर यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया तो ये नया डैशबोर्ड आ चुका है। अब आप ऑल सर्विस पर क्लिक करेंगे तो जो सर्विस है सहज आप लोगों को देता है वो दोस्तों वो सारी सर्विसें यहाँ पर कन्फर्म हो जाएंगी आपके डैशबोर्ड पर। और मेरे द्वारा दोस्तों आपको यूपी का ई डिस्ट्रिक्ट ID बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, जिस किसी को चाहिए यूपी का ई डिस्ट्रिक्ट ID, जो दोस्तों जाति स्थाई मूल निवास ये काम करना चाहता है, क्योंकि इस टाइम दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा क्रेज चल रहा है, क्योंकि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और जाति स्थाई के लिए दोस्तों स्कॉलरशिप वगैरह में सभी में दोस्तों ये लगता है। तो आप लोग इस ID को लेकर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। UDI का काम चलता है, इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हैं, ITR फाइल दे सकते हैं, APS सर्विस यूज कर सकते हैं। और सहज के साथ दोस्तों कोरियर सर्विस भी यहाँ पर लाइव कर दी गई है और बहुत सारे ये आप देख सकते हैं जियो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी आपको मिल रहा है, जिसमें दोस्तों फाइबर अभी लग रहे हैं वाईफाई वाले जियो फाइबर का, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जियो एयर फाइबर, सभी का दोस्तों यहाँ पर आपको काम मिलने वाला है इस कंपनी के द्वारा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों ले सकते हैं और अपने क्षेत्र में दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस डैशबोर्ड के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया है। और वीडियो KYC के लिए आपको माई बिजनेस वाले ऑप्शन पर जाना होता है, आपको यहाँ पर लास्ट में आपको वीडियो KYC का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन दोस्तों वीडियो KYC अगर ये मांगता है तो आपको वीडियो KYC यहाँ पर करना होगा, लेकिन यहाँ पर इनका दोस्तों सलमान भाई का वीडियो KYC यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर लिखा भी है वीडियो KYC इज ऑलरेडी कंप्लीट। तो इनकी जो सारी सर्विसें हैं वो एक्टिवेट कर दी गई हैं कंपनी के द्वारा। और अगर आप लोगों का दोस्तों वीडियो KYC कंप्लीट नहीं हो रहा है, APS एक्टिवेट नहीं हो रहा है या अदर सर्विस नहीं चल रही है, तो आप अपने नियर बाई जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है सहज की तरफ से, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर वो लोग हेल्प नहीं करते हैं तो आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पर जाकर उनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का टोल फ्री नंबर भी दे रखा है और वो लोग आपके शॉप पर विजिट करने के बाद ही दोस्तों आपका वीडियो KYC करके चले जाएंगे अगर आप लोगों से नहीं होता है। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि दोस्तों जो भी अपडेट है वो समय से पहले आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभी अवेलेबल नहीं है और उनको जो सर्विस है उनको अपडेट नहीं मिल पाता है। लेकिन टेक्निकल रंजीत चैनल के माध्यम से आपको सारे अपडेट और किस तरीके से काम करना होता है वो दे दिए जाते हैं। कंपनी का क्या अगला दोस्तों सर्विस आने वाला होता है वो दोस्तों सारी जानकारी यहाँ पर दे दी जाती हैं, किस तरीके से यूज करनी होती हैं वो भी दे दी जाती है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंतर्गत। जो भाई ई डिस्ट्रिक्ट एक्सिस बैंक या अदर सर्विस कोई भी लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।